थिंक विद द कमिंग ऑफ ऑफ द OTT प्लेटफॉर्म, आपने रियलाइज किया होगा कि लैंग्वेज डजंट मैटर, इट्स द कंटेंट दैट मैटर। किसी को भी पता नहीं कि आखिर चल क्या रहा है प्रेम की 3 के साथ। बहुत बॉलीवुड एक्टर्स ने इस मूवी पर नॉर्मल रिएक्ट तो किया है, मगर सुनील शेट्टी ने तो हद ही पार कर दी। तो चलिए जानते हैं कि आखिर सुनील शेट्टी ने क्या बोल दिया है इस मूवी के ऊपर। जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। वेल, मेरा नाम है इश्नू सेब और आप देख रहे हो इश्नू सेब यूट्यूब चैनल। चैनल में नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। प्रेम की 3 एक सुंदर देश नेपाल से निकल कर आया है। इस मूवी का पूरा चाहने वाले नेपाल में तो है, मगर इंडिया में भी थोड़ा बहुत जो इस मूवी को सक्सेसफुल होते हुए नहीं देखना चाहते हैं। बॉलीवुड वाले को क्या पता मेहनत के बारे में, मेहनत क्या होता है ये अच्छी तरह से पता है नेपाली को। इसीलिए तो 3 करोड़ में बाहुबली को टक्कर देने वाली मूवी बनाकर रख दी है इंडियन ऑडियंस के आगे और बॉलीवुड के आगे। गाइस, नेपाल और नेपाली लोगों का जितना तारीफ करो उतना ही कम होता है। शायद ही किसी बॉलीवुड एक्टर्स का दम होगा जो -10 डिग्री ठंड में जाकर मूवी बनाने का साहस करता हो, मगर नेपाली कभी डरते नहीं, चाहे उनके आगे मौत ही क्यों ना आ जाए। प्रेम की 3 को एक भी ऑडियंस हिट नहीं कर रहा है, मगर बॉलीवुड वाले का तो जल रहा है इस मूवी से। प्रेम की 3 ने अभी तो सिर्फ 25 करोड़ कमाई की है, अभी तो और 100 करोड़ कमाना बाकी है। ये मूवी जितना ज्यादा कमाई करेगी उतना ही जलने वाली है बॉलीवुड एक्टर्स का। तो चलिए बात कर लेते हैं कि आखिर क्या बोल दिया है सुनील शेट्टी ने प्रेम की 3 के ऊपर। आप लोगों को तो पता ही होगा कि सुनील शेट्टी कितना पीसफुल और सपोर्टिव इंसान है। सुनील शेट्टी ने प्रेम की 3 के ऊपर नेगेटिव रिएक्ट करने वाले बॉलीवुड एक्टर्स को प्रेम की 3 को सपोर्ट करते हुए बोला कि अब मैं मूवी कम बनाता हूँ, क्योंकि बॉलीवुड में आप कोई भी किसी का भी टैलेंट नहीं देखते हैं, किसी का भी सपोर्ट नहीं करते हैं, किसी का भी सक्सेस को अप्रिशिएट नहीं करते हैं। ये बात सभी को पता था कि नेशनल सिनेमा डे 16 सितंबर को मनाया जाएगा, मगर इसको पोस्टपोन करके 23 सितंबर को कर दिया गया, क्योंकि बॉलीवुड नहीं चाहते हैं कि कोई नेपाली मूवी अच्छा कमाई करे इंडिया में। इन लोगों को पता ही नहीं कि पड़ोसी देश को कैसे इज्जत करते हैं। मुझे किसी से भी डर नहीं है, फुल सपोर्ट है मेरा नेपाली मूवी को, ऐसा कहा था सुनील शेट्टी ने। देखो गाइस, एक ही थाली में खाने वाले सभी बुरे नहीं होते। सुनील शेट्टी जैसे बहुत एक्टर्स अभी भी बॉलीवुड में है, मगर क्या करें, नेपोटिज्म के वजह से अच्छे एक्टर्स को हमेशा पीछे धकेल दिया जाता है। सो गाइस, आपको सुनील शेट्टी का नेपाल प्रति का प्यार और सपोर्ट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना हमें। और हाँ, अगर आप एक नेपाली हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।